नमस्कार बच्चों, जो भी रिवीजन लिया जा रहा है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना बच्चों? एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों? तो आज के रिवीजन में देखिए, अपन पढ़ेंगे इन अक्षरों के साथ आ की मात्रा लगाकर एक अक्षर लगाकर शब्द बनाओ। मतलब इन अक्षरों में जो भी यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों में अपन आ की मात्रा लगाना है और एक अक्षर लिखना है और शब्द बनाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आ शब्द आ अक्षर दिया गया है, तो आ को अपन आ की मात्रा लगाकर और गा लिखे हैं, तो यहाँ पे और एक अक्षर अपन ही खुद से लिखना है, तो पूरा बनता है शब्द आग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर खा का अक्षर दिया गया है, तो खा लिखे हैं और बाजू में आ की मात्रा लगाए हैं और उसके बाद न लिखे हैं एक अक्षर अपने खुद से, तो ये शब्द बन गया है कान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ध अक्षर है, ध के बाजू में आ की मात्रा लगाए, तो यहाँ पर फिर एक द और आ की मात्रा, तो इसे शब्द बना है दादा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ला लिखे है, ला को आ की मात्रा लगाए और उसके बाद न और आ की मात्रा, तो इसे शब्द बना है लाना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ना अक्षर दिया गया है, ना के बाजू में आ की मात्रा लगाए और पूरा शब्द बन गया नाक। नेक्स्ट देखिए, पा अक्षर दिया गया है, पा से पाट शब्द बना है। नेक्स्ट रा अक्षर दिया गया है, तो रा से रात बोलकर शब्द बना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर माँ दिया गया है, तो माँ से आ की मात्रा लगाए और माता बोलकर लिखे हैं, तो ये है एक अक्षर अपने खुद से लगाना है और आ की मात्रा लगाकर शब्द को बनाना है। नेक्स्ट देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, मतलब इसे विलोम शब्द भी कहकर पुकारते हैं। देखिए, फर्स्ट वन आज, कल, आया, गया, रात, दिन, उधर, इधर, जाना, आना, चुप, चाप, दुख, सुख, ये है विलोम शब्द, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्वर और मात्राएं लिखो, तो यहाँ पर स्वर से अपन मात्रा लिखते हैं ना, तो ऐसे आ की मात्रा नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा, तो ये है स्वर और मात्राएं लिखना है। जो भी रिवीजन दिया जा रहा है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आज के रिवीजन में देखिए, इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे चित्र दिया जाता है, तो अपन उसका नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वन क्या दिया गया है, गुलाब, तो यहाँ पर लिखे है ना गुलाब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्र क्या है, छतरी, तो यहाँ पर छतरी बोलकर लिखे है। नेक्स्ट चित्र देखिए, यहाँ पर भालू का चित्र दिया गया है, तो उसका नाम लिखना है भालू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मछली का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है मछली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तरबूज का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है तरबूज। नेक्स्ट देखिए, कबूतर का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है कबूतर। नेक्स्ट देखिए, चूहिया का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है चूहिया। नेक्स्ट देखिए, चाकू का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है चाकू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फूल का चित्र, कौन सा फूल है ये, कमल, कमल का फूल का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखना है कमल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उटज का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर लिखे है उटज, मतलब यहाँ पे चित्र दिया जाता है, तो उसका नाम आप लोगों को लिखना है, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।